है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर कैश बरामदगी मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। दूसरी ओर कैश कांड को लेकर झारखंड में सियासत भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट पहुंचा सबसे बड़े कैश कांड का मामला। धीरज साहू के ठिकानों पर कैश मिलने के मामले में पीआईए, मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दानियाल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की है। दूसरी ओर इस कैश कांड को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बड़ी रकम मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मामला तब राजनीतिक रूप लिया जब पीएम ने मनी हाइट्स का जिक्र करते हुए एक वीडियो को एक्स पर रीपोस्ट किया। पीएम मोदी के पोस्ट और रीपोस्ट पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। सारे प्रधानमंत्रियों के साथ हमने काम किया है। मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि ये गांधी का देश, नेहरू का देश, जो मर्यादा को सबसे प्राथमिकता का पाठ रखते थे, रांची में आके एक रात गुजारे, यहाँ इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। मोदी का कोई किसी चीज का कमिटमेंट नहीं है, सब इनकी रणनीति है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है, साथ ही कांग्रेस पर सीधा वार किया है। क्योंकि मनी हाइस्ट की कहानी क्या है? स्पेन के बैंक में सफेद पोश लोग सबसे बड़े लूट को अंजाम देते हैं और स्पेन की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। ये इस सीरियल की कहानी है और यही कुछ कहानी कांग्रेस ने 70 वर्षों से की है, 50 वर्षों तक केंद्र में और 20 वर्षों तक उसके बाद उसकी राज्य सरकारें भी कर रही है। सफेद पोश कांग्रेस के नेताओं ने देश की आर्थिक व्यवस्था को हिला दिया, लूट खसोट किया और पूरे तरीके से देश की आर्थिक जड़ों को हिला दिया। मनी हाइट्स एक सीरियल है जिसमें स्पेन का एक प्रोफेसर सफेद पोशों के जरिए डकैती कराया है और इसी सीरियल को आधार बनाकर पोस्ट किए गए वीडियो को पीएम ने रीपोस्ट किया जिसमें झारखंड की राजनीति गरम है। कैमरामैन कौशल के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अपने संवाददाता राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए धीरज साहू अब तक का सबसे बड़ा ये पूरा मामला है जो निकलकर सामने आया और ऐसे में कल से जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष के पास तो ये मुद्दा होगा ही और इसके बीच हमने देखा कि आज ये पूरा मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया। दानियाल दानिश ने एक पीआईएल दर्ज की है और इस पूरे मामले पर अब ईडी और सीबीआई एंट्री की उन्होंने मांग कर दी है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था इसके पहले कि पहली बार जब ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से जुड़े किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, वो भी एक सियासत का माहौल हमें देखने को मिला। लेकिन आज की जो बड़ी अपडेट सामने आई जहां पर इस पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर ली गई। देखिए, कई कड़ी जुड़ती चली जा रही हैं और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से धीरज साहू का जो मामला आया है उसमें अब एक पीआईएल भी हुआ है और साथ साथ जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल आईटी की तरफ से इसका खुलासा किया जाना है कि आने वाले समय में किस तरीके से सारी चीजों को लिया जाएगा और धीरज साहू के पास से जितनी रकम बरामद हुई है उसके सोर्सेस क्या है और किस तरीके से इतनी बड़ी राशि उन तक पहुंचा है। तो अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि पूरे मामले की जांच होनी बाकी है और जहां तक पीआईएल की बात है तो पीआईएल के तहत यह मांग की गई है कि सीबीआई से भी जांच कराई जानी चाहिए। तो आगे किस तरीके से जांच एजेंसियां काम करेंगी इस पर कहीं ना कहीं कई चीजें चल रही हैं फिलहाल, लेकिन अभी इस बारे में यह चर्चा ज्यादा नजर आ रही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे किस रूप में लिया जाएगा। विधानसभा का सत्र चलने वाला है कल से और उसके बाद से सत्र में जिस तरीके से चीजें सामने आएंगी उसमें इस बार यह मुद्दा भी काफी गर्माहट के साथ सामने आ सकता है। बीजेपी जो राज्य में विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से जो बैठक चल रही है उसमें भी इस बारे में चर्चा चल रही है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे कल सामने लाए जा सकेंगे कल के बाद से भी। तो ये एक बड़ा मसला सामने आ सकता है और हो सकता है इस पे और फिर से एक बार राजनीतिक बहस तेज होगी। जी बिल्कुल राकेश। और देखिए राकेश, जिस तरीके से आज के दिन की शुरुआत हुई थी, सर्वदलीय बैठक होती है, उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठक होती है, बीजेपी की बैठक होती है और इन्हीं बैठकों के दौर के बीच बेरमो विधायक अनूप सिंह का बयान मैंने सुना। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो
सांसद यानी कि धीरज साहू के आवास पर जितने रकम बरामद हुए हैं अगर वो ब्लैक मनी होता तो अब तक आईटी की टीम इस पर कुछ ना कुछ बयान देती। उन्होंने अपने आवास पर भी हुए आईटी की रेड और केंद्रीय एजेंसियों के दबिश का जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं आज सीधे संवाद कार्यक्रम में, सभी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूती से अपने बातों को यह सामने रख रहा है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बीजेपी यानी कि जो विपक्ष की इस बार भूमिका में है वे सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस वजह से इन तमाम मुद्दों को गर्माहट देने की एक जरूरत विपक्ष को आन पड़ी है। देखिए अनूप सिंह का जो बयान आया है वो निश्चित तौर पे अपनी बातों को रखने की कोशिश की है और धीरज साहू का जो मामला है उसमें आईटी की तरफ से अभी इस बारे में खुलासा नहीं किया गया है कि जितनी रकम पकड़ी गई है उसके सोर्सेस क्या है और कितनी रकम रखी जा सकती है व्यावसायिक जगत से, किस तरीके से ये राशि उनके घर तक पहुंची है। तो फिलहाल इस बारे में जब तक आईटी की टीम या किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक बहुत कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत होगी तो विधानसभा का सेशन चलने वाला है और उस सेशन के दौरान यह मुद्दा तो जरूर छाया रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से यह मामला सामने आया, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, उसके बाद से एक मामले को लेकर रीट्वीट किया गया और उसके बाद से तमाम जो सत्ताधारी दल राज्य में हैं उनकी तरफ से विरोधाभास देखने को मिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति भी होगी और आने वाले समय में इस पर चर्चा भी होगी। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में शीतकालीन सत्र में इसकी गूंज बेशक हमें सुनाई देगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।